नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु प्रकाश सिंह। आज आप लोगों को लास्ट टॉपिक मैंने कराया था लॉ पैरेलोग्राम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम बताया था मैंने, तो समांतर चतुर्भुज के नियम में मैंने आपको रेजोनेंट परिणामी याद करा के दिखा दिया था, ठीक है। लेकिन परिणामी के बाद में एक होता है कि जो हमारा परिणामी रेजोनेंट जो होता है वो दो बलों के बीच का है, पी और क्यू दो बल लग रहे थे, उनके बीच में हमारा परिणामी बना हुआ था आर जो है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो हमारा पी बल था और ये हमारा क्यू बल था, ठीक है। ये मैंने पूरा समांतर चतुर्भुज कंप्लीट किया था, इसका ये परिणामी था हमारा, ये परिणामी क्या था, आर था, ठीक है। और यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला था इस परिणामी को निकालने के लिए, ठीक है। इस बिंदु को ओ माना था मैंने, इस बिंदु को ए माना था, इसको एम माना था, और इसको मैंने सी माना था, और इस बिंदु को मैंने बी माना था, यही बिंदु माने थे। तो देखिए मैंने आपको क्या पी व क्यू इन दोनों बलों के बीच का कोण थीटा मान रखा था, क्या मान रखा था, थीटा कोण मान रखा था। अगर मैं कहूं कि पी बल से जो आर बल जो है परिणामी जो है, आर बल क्या है, परिणामी है, ये परिणामी जो है पी बल से कितना कोण बना रहा है, कितने कोण पर कार्य कर रहा है, तो आप कैसे बताओगे। तो उसके लिए ही मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि पी बल से अगर परिणामी हमारा जो है अल्फा कोण बना रहा है या अल्फा कोण पर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो अल्फा क्या होगा और कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम इसको निकालेंगे। अगर कहा जाए कि क्यू बल से कितना कोण बना रहा है परिणामी आर जो, तो हम मान लेंगे इसको बीटा कोण बना रहा है। अब इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे, एक अल्फा को और एक बीटा को, कि ये कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास में पूछा जाए कि पी और क्यू से परिणामी कितना कितना कोण बना रहा है, ठीक है। तो आज हम वही ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने, मैं लास्ट टाइम बताया था ये भी क्यू था और ये एंगल हमारा थीटा था, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया था, सी एम भी फाइंड आउट कर लिया था, और हमारा क्या है वो ए एम भी फाइंड आउट कर लिया था, हमने ज्ञात कर लिया था, जो भी निकल के आया था हमने निकाल लिया था। अगर आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो ना देखी हो तो लास्ट वीडियो देख लें, लेकिन फिर भी आप लोग अगर इस टॉपिक में मैं आज आप लोगों को समझा दूंगा कैसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सी एम और ए एम ही निकाल के बता देता हूँ, क्योंकि अगर जिन लोगों ने लास्ट वीडियो मेरी नहीं देखी होगी तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सी एम और ए एम है क्या है और कहाँ से आएगा। तो देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हमारा, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए एम सी, ए एम सी से। तो देखिए आप लोग ने पढ़ा होगा पहले लास्ट क्लास में या पिछली क्लासों में अपने हाई स्कूल में या नाइन्थ में पढ़ा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज होता है, जब हमारे पास एक भुजा दी होती है और एक कोण दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास लाल बट्टे कट का, लाल बट्टे कट का। अगर एक कोण दिया हो और एक भुजा दी हो तो लाल बट्टे कट का से हम दूसरी भुजा निकाल सकते हैं, तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं। एक आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कब निकालते हैं, जब हमारे पास दो भुजा दे रखी हो, कोण नहीं दिया हो या दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जब दो भुजा दे रखी हो और तीसरी भुजा हमको निकाल ली हो तब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें एक कोण दिया है और एक भुजा दे रखी है, तो क्या करेंगे, लाल बट्टे कक्का लगाएंगे, ठीक है। तो लाल बट्टे कक्का का मतलब क्या होता है, पहला पॉइंट होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, कहने का मतलब कॉस में होता है, तीसरा होता है टेन थीटा, टेन में होता है, ठीक है, ये हमारा होता है। अब हमको यहाँ क्या निकालना है, एम, एम क्या हमारा पास आधार, तो आधार में क्या लगाएंगे, कॉस, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण हमको दे रखा है क्यू, तो हम आधार निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वही करेंगे। तो देखिए अब मैं सबसे पहले साइन थीटा लगाता हूँ, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्यों, थीटा दे रखा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, लंब बटे कर्ण, ये लंब होता है एल और के कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमें क्या दिया यहाँ पर, लंब देखो सी एम दे रखा है, तो सी एम बटे कर्ण क्या हमारे पास, ए सी एम, तो ए सी हो जाएगा। यहां से हमको सी एम निकालना है, तो सी एम इक्वल टू हम निकालेंगे, तो सी एम क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी साइन थीटा। अब आप लोग देखिए ए सी, ए सी हमारे पास क्या है, क्यू है, तो क्या लगा देंगे, सी एम इक्वल टू क्यू साइन थीटा, तो इस तरह से हम सी एम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार हम कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास क्या है, ए एम है यहाँ पर, तो हम क्या लगा देंगे, ए एम बटे कर्ण क्या हमारे पास, ए सी है, तो ए सी। अब यहाँ पर हमें क्या है, ए एम निकालना है, तो कॉस थीटा हमारे पास यहाँ चल रहा है और ए एम बटे ए सी, तो क्रॉस मल्टीपल उड़ा कर देंगे और ए एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ए सी हमारे पास क्या है, क्यू है, देखिए यहाँ पर ए सी कर्ण क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से ए एम और हमने सी एम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, अभी अल्फा एंगल निकालना है, अल्फा एंगल निकालना है हमको, तो देखिए अल्फा एंगल निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या दिया है, एक तो हमारे पास बेस दे रखा है, देखिए ओ एम और सी एम,
परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, कहने का मतलब ये आधार है और ये लंब है, यही चीज है। अब मेरे पास आधार दे रखा, लंब दे रखा, तो मैं क्या लगाऊं कि अल्फा निकल आए, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, लंब बटे आधार, टेन थीटा लगा देंगे, क्योंकि लंब दे रखा मैं आधार दे रखा, तो क्या लगा देंगे, टेन थीटा लगा देंगे, ठीक है। तो टेन थीटा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अल्फा निकाल लें, अल्फा लगाएंगे, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, तो लंब, लंब हमको क्या दिया है, सी एम दे रखा है, तो सी एम लगाएंगे बटे आधार क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन ओ एम क्या है, यहाँ पर दो पार्ट में टूटा हुआ है, ओ ए प्लस ए एम लिखा हुआ है, तो सी एम तो झोंका तो रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस का क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, ठीक है। अब सी एम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, क्या निकली थी, क्यू साइन थीटा, तो यहाँ सी एम की वैल्यू क्या लगा देंगे, क्यू साइन थीटा लगा देंगे, ठीक है, बटे ओ ए, ओ ए की वैल्यू देखिए आपको क्या दे रखा है, पी दे रखा है, ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू पी पुट कर देंगे प्लस में। अब उसके बाद क्या है, ए एम, तो ए एम की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी थी, तो ए एम की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर दी, क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ लगा देंगे क्यू कॉस थीटा, ये हमने वैल्यू लगा दी, तो ये क्या निकल आएगा हमारा, टेन अल्फा निकल आएगा, ठीक है। अब निकलना क्या हमको अल्फा, तो अल्फा निकलने के लिए क्या करेंगे, टेन इनवर्स कर देंगे, टेन इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है ना। इस तरह से हम अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फा फाइंड आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को अल्फा फाइंड आउट करने में। अब उसके बाद हमने अल्फा जब निकाल लिया, तो हम बीटा कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए कि थीटा जो है, जो थीटा दे रखा है, वो पी और क्यू दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा निकाल चुके हैं, बीटा निकालना है, तो जब थीटा हमको दे रखा है, इन दोनों वैल्यूओं के बीच का कोण, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, प्लस में होंगे, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जो कोण दिया थीटा, इन दोनों के दो पार्टी तो कर देंगे अल्फा और बीटा को, भाई जो थीटा है इसी के दो पार्ट दो अल्फा और बीटा, तो अभी हमको ऐड कर देंगे तो थीटा के बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है, तो भी थीटा के बराबर, ठीक है। अब देखो ये मुझे पता चल गई, थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, ये आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ये थीटा ही अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, क्योंकि थीटा को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया अल्फा प्लस बीटा में, ठीक है, अल्फा और बीटा दो पार्ट में तोड़ रखा है, अगर हम दोनों को ऐड कर दूंगा थीटा के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब मैंने अल्फा निकाल लिया, तो मुझे थीटा निकालने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, जब मेरे पास अल्फा है और मैं थीटा मुझे पहले से ऑलरेडी पता है, तो क्या बीटा निकाल सकता हूँ, तो अल्फा को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, बस क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा माइनस के अल्फा हो जाएगा, तो इस तरह से क्या निकल आएगा मेरा, बीटा निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस हमको अल्फा बीटा निकालना था, तो इस तरह से हमने अल्फा बीटा निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ विशेष कंडीशन होती हैं, विशेष दिशाएं होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, जो विशेष कंडीशन होती हैं, कह सकते हैं स्पेशल केसेस जो होते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे रिलेटिव निकालना है, और मैं कहूँ मैक्सिमम रिलेटिव निकाल के बताओ, परिणामी जो है अधिकतम परिणामी निकाल के बताओ, तो अधिकतम परिणामी निकालने के लिए आप क्या करोगे, पूरा फॉर्मूला लगाओगे, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये लगाओगे ना, और इसको पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में आपको रिलेटिव अधिकतम परिणामी निकालोगे कैसे, फिर आप सोचोगे अधिकतम परिणामी कैसे निकालें भाई, यही सोचोगे ना। तो मैं उसके लिए स्पेशल केसेस हैं कुछ, मैं उनको बता रहा हूँ, अगर मैक्सिमम परिणामी निकालना है तो किस तरह से आप मैक्सिमम परिणामी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं ये वीडियो में यहीं फिनिश करता हूँ।